मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। किसी का बाप संविधान बदल नहीं सकता, संविधान हम लेंगे, महिला ने कहा। हम लड़ेंगे या फिर मरेंगे। देखिए खबर क्या है। मोदी के ऊपर है लोगों का गुस्सा। भीम जयंती पर नागपुर में भीम दीवानों ने बोल दी बड़ी बात। नागपुर शहर के अंजनी त्रिशरण चौक मानेवाड़ा एरिया में बाबा साहेब के चाहने वालों की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह डीजे घोड़े धमाल के साथ कई हजारों की संख्या में रैली निकाली गई, जिसमें महिलाएं पुरुष शामिल। गली गली मोहल्ले में भी भीम के दीवाने, जो नागपुर शहर के हर जगह पर भारी संख्या में भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म उत्सव पर रैली निकाल रहे। ढोल ताशे गाजे बाजे और डीजे के साथ नागपुर शहर में जोश और उत्साह के साथ गली मोहल्ले में डीजे बजा बजा कर जन्म उत्सव मनाया गया। देखिए और भी क्या कहा महिला ने इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। नमस्कार, सुप्रीम पावर न्यूज आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम है नागपुर में और यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं। और हमारे साथ कुछ साथी लोग हैं, उनसे पूछेंगे बाबा साहब के बारे में क्या बताएंगे। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं विवेक हजारे, मैं सरकारी नौकर हूँ और बाबा साहब के बारे में क्या बताना। बाबा साहब तो पूरे विश्व के महामानव हैं, जिन्होंने सारे जाति के सारे धर्मों के लिए मानव जाति के लिए काम किया है। सिर्फ एक जाति का उनके ऊपर में कोई अधिकार नहीं, सारी जाति के उनका उद्धार किया है। क्या लगता है ये निकाल के किसने खुशी की आपको? ये जो पर्व है ये तो उत्साह का पर्व है, पढ़ना तो 360 दिन है, लेकिन बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर में जो जयंती का कार्यक्रम होता है उसमें रैली निकाल के हमारे जो बच्चे हैं बाबा साहब के साथ में जो मतलब विचार रखते हैं, बाबा साहब के विचार में चलने की कोशिश करते हैं, उत्साह के लिए ये रैली निकाल के। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत दिनों से यहाँ प्रथा चल रही है कि बहुत सारे लोग एकजुट होकर सब साथ में बाबा जी की जयंती मनाते हैं। हाँ, सारे लोग तो सारी जाति के लिए काम किया, तो सारे लोगों के लिए बाबा साहब एक जैसे थे, एक भी दलित वर्ग के लिए बाबा साहब नहीं, सभी के लिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं हर जगह यहाँ पर धूमधाम से तैयारी की गई है। बाबा साहब का जन्मदिन है, उसके हिसाब से यहाँ पे तैयारी की गई और नागपुर में जगह जगह ये रैली निकलती है। हमारे साथ कुछ महिला जुड़ने जा रही है, मैं उनको पूछूंगा। मैडम आपका नाम बताओ। मेरा नाम बाबा साहब के विचार को आप कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप रैली के माध्यम? यही पता चल सकता है कि ये हमारा नालंदा नगर में 10 साल से चलते आए हैं, लेकिन ये साल ज्यादा बहुत ज्यादा प्रमाण में करने का मतलब यह है कि आज जो बोल रहे हैं कि 400 पार करना है, 400 पार करना नहीं है हमको, संविधान बदलने नहीं देना है। और संविधान बदलने नहीं देने के लिए हमको, हम किन सैनिकों की हमको ताकत दिखानी है। और जो ताकत दिखाने के लिए अभी बहुत सारे एरिया के लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं और सब लोग एकजुट होकर ये दिखाने की कोशिश करें कि बाबा साहब के लोग संविधान बदल नहीं देंगे। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि एक महिला ने कहा, मैडम ने कहा कि 400 पार के लिए लोग नारे लगा रहे हैं, ऐसा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है क्या? क्या बोलेंगे 400 पार के बारे में आपने कहा था? नहीं, 400 पार करने का मतलब क्या है? अगर संविधान में सबको समान अधिकार मिलने के बाद में आप 400 पार क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों के लिए 3% कुछ लोगों के लिए, आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो संविधान के प्रेमी जो है वो ये करने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो सर, आप संविधान बदलने के बारे में बात चल रही है ऐसा मैडम ने कहा, तो आप किस थोड़ी सी मैं प्रतिक्रिया ले लूंगा, क्या बोलेंगे? जी, संविधान को ये बाबा साहब ने जो अपना बनाई है इसके ऊपर में लोकशाही चलती है, लोकतंत्र टिका है सिर्फ संविधान के भरोसे पे, और संविधान अगर बदल जाता है तो फिर चाहिए देश में आ जाएगी, इसलिए संविधान बदला जा नहीं सकता और संविधान बदलने वाला ये सपना देखना भी गलत है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम किरण सुखदेवे है और मैं नालंदा नगर की रहवासी हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत प्यारा और कड़क जय भीम सब लोगों के लिए। आज जो त्योहार ये पर्व है हमारे लिए किसी दिवाली से कम नहीं है। 6000 सालों की गुलामी और जातीय प्रथा को बंद करने का अधिकार अगर किसी ने मतलब को मिला है और जिन्होंने दीन दलित लोगों का उद्धार किया वो एक ही नेता है, वैसे तो होगा नहीं, ना भूत हो ना भविष्य भी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय जय जय।
देखो लोगों में कितना उत्साह है भीम जयंती को लेकर, तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। क्या कर रहा है मोदी? मोदी क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि संविधान हम लेंगे, वो नहीं देंगे। मतलब संविधान बदल देंगे ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं देंगे हम लोग। हम लड़ेंगे या मरेंगे संविधान नहीं सकता, बदल नहीं सकता। हम लोग बाबा साहब ने इसको बनाया है, हम लोग संविधान बाबा ने जो करे बाबा साहब ने सब दूसरा संविधान है, लोग फायदा देंगे किसी दूसरा बाबा साहब हो रहा है। देखो 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 लोग कितने नाराज है संविधान बदलने के लिए, वो संविधान बदल ही सकता जो बोल रहा है, वो संविधान नहीं बदल सकता। और जो महिला है पूरा आरोप लगा रही है, बहुत नाराज है लोग नागपुर से। ये हम दिखा रहे आपको में, कोई फायदा नहीं होगा। बाबा साहब